तो दोस्तों जैसे कि ये महीने भी दोस्तों ख़त्म होने वाला है और वहीं दोस्तों ये अगले महीने ऐसा बोला जा रहा है कि दोस्तों एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, Xiaomi अपना एक और सक्सेसर सीरीज़ का लॉन्च करने वाला है, Redmi Note 10 Pro जो दोस्तों सीरीज़ आई थी उसका एक सक्सेसर, वो दोस्तों एक सक्सेसर सीरीज थी रेडमी के लिए, और वहीं दोस्तों उसका बड़ा भाई लॉन्च करने वाली है दोस्तों रेडमी अपनी, उसका नाम है दोस्तों रेडमी नोट 11 प्रो, जिसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलती है 6.67 इंच की FHD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों ये डिस्प्ले की अगर आप क्वालिटी देखेंगे, अगर पिक्चर क्वालिटी देखेंगे और बहुत अच्छी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि आपको इसके अंदर जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी इसके अंदर, तो दोस्तों आपको कलर्स देखने को मिलेंगे बहुत ही बढ़िया कलर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जो इसके अंदर जो कलर्स निकल के आते हैं बहुत ही अच्छे दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है, जिसकी मदद से दोस्तों जो आपकी जो गेमिंग रहेगी और भी बढ़िया हो जाएगी, एकदम स्मूथ हो जाएगी। वहीं इसके अगर टच सैम्पलिंग रेट की बात करते हैं तो दोस्तों आपको इसके अंदर 360 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फास्ट है। अगर दोस्तों आप इसमें ज़्यादा गेमिंग करते हो और ज़्यादा ही आप अगर इसमें गेमिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं इस मोबाइल को और, तो दोस्तों तो फिर दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वहीं दोस्तों मैं अगर इसके प्रोसेसर की बात करता हूँ तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा MediaTek का Dimensity 920 का SoC प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों जो MediaTek का Dimensity 900U प्रोसेसर जो आया था उसे दोस्तों थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है का दोस्तों 920 का। इसके अंदर आपको दोस्तों थोड़ी और ज़्यादा अच्छी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और ज़्यादा अच्छा आपको इसके अंदर मतलब हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिलेगा इसमें। और वहीं दोस्तों इसके अंदर आपको पीछे की तरफ कैमरा सेटअप देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि है क्वाड कैमरा का सेटअप, जिसमें दोस्तों 108MP का आएगा प्राइमरी कैमरा प्लस 8MP का कैमरा प्लस 5MP प्लस 2MP दोस्तों आपको चार कैमरे देखने को मिलते हैं, जिसकी दोस्तों जो पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है ना, मतलब कि एकदम धासु एकदम ज़बरदस्त पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों इसके फ्रंट में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिसकी दोस्तों पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आप मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा ही अगर सेल्फी लेते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं फ्रंट कैमरे से, तो भी दोस्तों इसकी जो क्वालिटी हैगी फोटोशूट की क्वालिटी और दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आएगी। वहीं इसके अंदर आपको 5000mAh की मैसिव बैटरी दे रखी है, मैसिव तो नहीं बोल सकता सॉरी मैं, पर दोस्तों इसके अंदर आपको 5000mAh की दोस्तों बड़ी बैटरी दे रखी है, जिसको दोस्तों चार्ज करने के लिए दिया है 67W का फास्ट चार्जर, जो कि दोस्तों आपकी बैटरी को आराम से आधे घंटे में पूरा चार्ज कर देगा। दोस्तों अगर आप ज़्यादा भी चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको 67W का फास्ट चार्जर दिया हुआ है, आप इससे आराम से अपना मोबाइल आधे घंटे में पूरा चार्ज करके फिर से अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसकी बैटरी अगर आप कम यूसेज करते हैं तो 2 दिन चलने वाली, अगर ज़्यादा ही यूसेज करते हैं गेमिंग करते हैं दोस्तों 1 दिन तो चल ही जाएगी। वहीं दोस्तों इसके अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है आपको, जो कि है दोस्तों 8GB की रैम और 256GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक माइक्रो कार्ड SD स्लॉट भी देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी प्राइस लगभग आपको 20,000 के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन जल्दी मुझे लगता है ऐसा कि दोस्तों नवंबर में लॉन्च हो जाएगा शायद तक। वहीं ये MIUI 13 पे बेस्ड रहेगा और इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है शायद, मुझे दोस्तों ऐसा लगता है, पर पता नहीं कि क्या होगा दोस्तों, वो तो आगे ही पता चलेगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो Redmi Note 11 Pro के बारे में कि दोस्तों ये स्मार्टफोन कब लॉन्च हो रहा है, इसकी प्राइस क्या है, डिटेल्स स्पेसिफिकेशन रिव्यू दोस्तों सब कुछ बता दिया है मैंने इस वीडियो में। और दोस्तों इसकी मेरी लॉन्च डेट भी आप पता नहीं है, जैसे दोस्तों पता चलेगी मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप हमें चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह की टेक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ न्यूज़ देखना चाहते हैं और कुछ रिव्यूज़ देखना चाहते हैं सभी स्मार्टफोन के बारे में, गैजेट्स के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वहीं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों शेयर कर दीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, जो भी दोस्तों Xiaomi को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि Xiaomi के ही स्मार्टफोन खरीदते हैं, उनको तो दोस्तों जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा ये वाली वीडियो। वहीं कमेंट करके बताइए क्या दोस्तों आप Redmi Note 11 सीरीज़ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो, आपको दोस्तों इसमें से कौन सा स्पेसिफिकेशन अच्छा लगा और इसकी प्राइस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर टेक बड़ी ईशान।